IPL 2021। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में जो मुकाबला था वो यहाँ पर RCB अपने नाम एक तरफा कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि RCB यहाँ पर 54 रन्स के साथ जीती हैं और यहाँ पर हर्षल पटेल जो हैं उनके लिए आज टोटली स्टार बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हर्षल पटेल ने अभी तक 2 मैचों में लगातार 9 विकेट हासिल किए हैं और आज के मुकाबले की बात की जाए तो हर्षल पटेल ने आज यहाँ पर 4 विकेट चटकाए हैं जिसके अंदर एक हैट्रिक भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने थोड़ा सा पेस पकड़ा ही था और वो आगे बढ़ ही रही थी चेस के लिए, तभी हर्षल पटेल ने 17th ओवर के अंदर, या दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने 17th ओवर के अंदर पहली बॉल वाइड कराई और उसके बाद जो बॉल कराई उसके ऊपर हार्दिक पांड्या का विकेट चटकाया, फिर दूसरी बॉल के ऊपर पोलार्ड को भी उन्होंने आउट किया, बोल्ड किया और आपको बता दें कि तीसरी बॉल के ऊपर राहुल चाहर को उन्होंने स्लोअर वन के ऊपर LBW किया। उसके बाद में सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए थे और हर्षल पटेल ने एक तरफा RCB को जीत उनकी झोली में लाकर पटक दी। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद में विराट कोहली जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आए हैं कि हर्षल पटेल ने आज जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, जो लीथल बॉलिंग कराई है, उसका मैं फ़ैन हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर्षल पटेल जैसे बॉलर्स की इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता ही होगा, मैच आप देखते ही हैं। तो यहाँ पर हर्षल पटेल को प्यार से यहाँ पर पर्पल पटेल भी कहते हैं क्योंकि उनके पास पर्पल कैप है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकेट्स इस IPL में चटकाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विराट कोहली जो है एक बार फिर से कमबैक करते हुए नज़र आ रही है। RCB उनको 3 मैच जीतने थे, उनमें से एक वो जीत चुकी हैं। देखना लाजवाब होगा कि अब आने वाले मुकाबले वो जीत पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है हर्षल पटेल की बॉलिंग आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट सबसे पहले।